अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आप काफ़ी दिनों के बाद देख रहे होंगे मैंने भाई कैप पहने हुए, उसकी रीज़न ये है कि अभी मैं बाइक से आया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो को शूट करके, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि उसके अंदर मैं कोई ना कोई गिववे भी रख दूँ। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर दो गिववेज तो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि इन दो नेक बैंड्स के हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको लिंक दे दूँगा A03S की जो वीडियो है उसके नीचे जाके लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग, मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई आज तो संडे, आज तो Q&A की वीडियो आनी थी, तो यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आप लोग क्वेश्चन जो है आप लोगों के लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द आप लोगों को Q&A की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। इस वीक की जो वीडियो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा, लाजमी तौर पर आपके जो क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बात करें अपडेट्स की, तो पहली अपडेट आ रही है वीवो के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली वीवो ने पाकिस्तान के अंदर Y33S को लॉन्च कर दिया हुआ है, उसकी मैं अनबॉक्सिंग पहले करना चाह रहा था। आप लोग कहोगे तो अनबॉक्सिंग कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी जो ओपिनियन आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। 38,000 उसकी प्राइस टैग है। इसके अलावा आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशन मिलती हैं भाई, एक ही अच्छी स्पेसिफिकेशन होती है वीवो के फ़ोन की, वो ये होती है कि आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का डिज़ाइन है उसको भी वीवो ने फाइनली चेंज कर दिया हुआ थोड़ा सा। जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, G80 का प्रोसेसर है, 50 MP का मेन सेंसर है, 5000 mAh बैटरी के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ, तो भाई सीधी सीधी बात है, जो कि आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी कि ओवर प्राइस एक डिवाइस है, इससे अच्छा तो Redmi 10 है, जो कि मैं इससे बेटर डील के ऊपर ज्यादा अच्छी प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आप लोग उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन भाई अगर आपको अच्छा डिजाइन फ्लैशी टाइप का चाहिए तो आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हो। इन शॉर्ट मेरी तो यही ओपिनियन है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है USB Type-C चार्जर और केबल्स के रिलेटेड। अब आप लोगों को USB Type-C चार्जर और जो केबल्स होती है उनके ऊपर एक नया टाइप का लोगो और रेटिंग भी लिखी हुई देखने को मिलेगी। ये रूल जो है अमेरिका के अंदर उन लोगों ने पास वगैरह कर लिया, मतलब कि जो आपकी केबल है उसकी क्या रेटिंग है, कितने वाट तक मैक्सिमम सपोर्ट करती है, उसके थ्रू कितना ज्यादा डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब कि डाटा कितना ट्रांसफर कर सकते हो। अब आप लोगों को ये वाली रेटिंग जो सर्टिफाइड केबल्स और चार्जर होंगे उनके ऊपर इस लोगों के साथ लिखी हुई नजर आएंगी, जो कि मुझे लगता है कि काफी एक अच्छी चीज है कि लोगों को आइडिया हो सके कि भाई वो जो चार्जर और केबल बाय करें उसके अंदर क्या रेट्स उनको देखने को मिलेंगे। अब ये वाली जो चीज होगी ये सर्टिफाइड केबल्स के ऊपर होगी, जो चाइनीज कॉपी शॉपीज आएंगे उनके ऊपर वो तो ऐसे ही फर्जी कुछ भी लिख देंगे, तो उनके ऊपर आप लोगों ने यकीन नहीं करना। अगली अपडेट भी स्टोरेज के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि आ रही है भाई iPhone 14 सीरीज के रिलेटेड। तो ये चीज कही जा रही है कि जो प्रो मैक्स या फिर प्रो सिंपल होगा उसके अंदर आप लोगों को 2 TB की जो स्टोरेज है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब कि इस दफा में 1 TB का ऑप्शन मिला। अगले साल भी एप्पल 2 TB के ऊपर जंप इन करने वाला है, और ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई 2 TB वाले की प्राइस कितनी होती है, क्योंकि जो स्टोरेज होती है इटसेल्फ वो काफी ज्यादा महंगी होती है, और जो उसके अंदर स्टोरेज यूज की जाएगी वो काफी फास्ट होगी, तो भाई जो किडनियां साथ में कोई गुर्दे बेचने पड़ेंगे आपको। अगली अपडेट की बात जो कि आ रही है Xiaomi Poco के रिलेटेड, मतलब कि Poco M4 Pro 5G के रिलेटेड, काफी ज्यादा लंबा नाम हो गया हुआ है, जो कि इधर उधर जो सर्टिफिकेशंस वगैरह उनके ऊपर लिस्ट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। Poco की ब्रांडिंग के नीचे एक चीज तो कंफर्म होती है कि काफी अग्रेसिव डील हमें मिल रही होती है, तो लेट्स सी कि जो Poco M4 है Pro 5G ये किन स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, क्योंकि अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई। एक चीज ये सामने आई है कि आप लोगों को 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। लेट्स सी कि ये कौन से फोन का रीब्रांडेड वर्जन होता है, क्योंकि मोस्टली जो Poco की ब्रांडिंग के नीचे फोन आ रहे होते हैं M सीरीज वाले वो रीब्रांडेड वर्जन ही आ रहे होते हैं Redmi फोन्स के, क्योंकि चाइना के अंदर Poco तो है नहीं, तो वहां पर जो Redmi के फोन होते हैं उनको थोड़ा सा रीब्रांड कर करके Xiaomi एडजस्ट इधर उधर कर रहा होता है, क्योंकि काफी एक अच्छी चीज है कि हमें ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगली जो अपडेट आ रही है ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो भाई कल Xiaomi पाकिस्तान के अंदर अपनी 11T सीरीज को लॉन्च करने वाला है। आपको काफी एक्साइटिंग वीडियो मिलेगी कल चैनल के ऊपर, तो लाजमी तौर पर स्टे ट्यून कीजिएगा। आपको हिंट भी मिल गई होगी मैं किस वीडियो की बात कर रहा था, तो लेट्स सी कि भाई कितने फोन आते हैं, क्योंकि अभी तक ये चीज कही जा रही है कि जो NENL लाइट वो भी आएगा, 11T और T प्रो आएंगे। कोई चीज मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, लेकिन कल लॉन्च इवेंट है तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी प्राइसेस कितनी होती है, और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं भाई जो 11T सिंपल है ना उसके लिए, क्योंकि वो एक मिड रेंज अपर मिड रेंज की डिवाइस होगी। लेट्स सी कि उसको किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब प्राइस कितनी होती है। हमारे लिए तो प्राइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, वो ग्लोबल लॉन्च हो चुका हुआ है। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन Xiaomi के
देख रही आ रही है। तो भाई Xiaomi एक ऐसे फ़ोन के ऊपर काम करा जिसके अंदर हमें 4K OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब कि 4K डिस्प्ले अब फोन के अंदर भी आने वाले हैं। लेकिन ये वाली चीज़ इतनी वो खास ज़्यादा न्यू भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले सोनी अपने फ़ोन के अंदर 4K डिस्प्ले को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हुआ है, लेकिन सोनी के वो वाले फ़ोन इतने ज़्यादा चले नहीं। तो हमारे लिए Xiaomi बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टीना के थ्रू पिक्चर्स भी सामने ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इतनी को खास ज़्यादा क्लियर लुक तो हमें नहीं मिल रही, लेकिन जो Xiaomi सभी था उस जैसे ही बैक साइड के ऊपर लुक है। लेट्स सी कि ये वाला फ़ोन भाई किस बजट में आता है और ये कब आता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है आईटेल के रिलेटेड। अब ये वाली जो अपडेट है इस चैनल के ऊपर आईटेल के रिलेटेड कोई भी अपडेट पहली है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने आईटेल के बारे में कभी भी बात नहीं की, क्योंकि उनके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हमें बजट कैटेगरी के अंदर मिल रहे होते हैं, उनकी आप लोगों को मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड होती नहीं है, तो हम उनको कवर नहीं करते। और वैसे भी उनकी जो न्यूज़ होती है वो ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट वगैरह में चल रही होती हैं, ऑनलाइन कम ही सर्फेस कर रही होती हैं। आज की अपडेट ये है कि भाई आईटेल जो स्मार्ट टीवीज़ है उनके मार्केट के अंदर घुसने वाला, बहुत जल्द आईटेल अपने जो स्मार्ट टीवीज़ है उनको लॉन्च करेगा। 4K टाइप के टीवीज़ कहे जा रहे हैं। लेट्स सी के क्या प्राइजेज होती हैं, क्या क्वालिटी हमें मिलती है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि एक नई ब्रांड आ रही है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी ये लोग एक्टिव हैं, तो उनके जो टीवी आएंगे मुझे लगता है कि बजट कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो भाई सैमसंग काफ़ी बड़ा प्लेयर है, उसके अलावा हायर TCL वगैरह हैं। लेट्स सी के आईटेल क्या करता है। आज की अगली अपडेट की बात करें और आज की लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है इन्फिनिक्स 0X सीरीज़ के रिलेटेड। तो भाई 8th October को पाकिस्तान के अंदर इन्फिनिक्स 0X प्रो को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। पता नहीं है कि 3 वेरियंट्स आते हैं या फिर एक आता है, लेकिन कोई ना कोई वेरियंट्स तो आ रहा है, जो कि ये कहा जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि इन्फिनिक्स 0X प्रो होगा। प्राइस क्या होती है इसी का हमें वेट है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस है वो तो हमारे सामने आ चुकी हुई हैं, तो आप लोगों को 8 तक वेट करना है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इतनी जो हाइप बनी हुई थी मतलब कि अब जो फाइनली ये हाइप या फिर रहेगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्राइस सामने आएगी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मुझे लगता है कि 50,000 तक आता तो ठीक रहेगा, उससे ऊपर जाता तो चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगी। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ अपनी ओपिनियन डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, जाने से पहले आप लोगों को अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोज़ के ऊपर काम करें, आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। और हाँ, जो गिव अवे है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्द रिजल्ट है इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दूंगा, आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाजमी तौर पर फॉलो कर लीजिएगा।